पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चरैया पंचायत के चरैया गांव में बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री ललित यादव ने जल नल योजना की जांच की, जिसमें काफ़ी शिकायतें मिली। वहीं जल नल विभाग के पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए 15 दिन का समय दिया कि वह बायसी विधानसभा में बने सभी जल नल योजना को दुरुस्त करें और 15 दिन बाद पुनः आकर देखेंगे। पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुहान ने उन्हें एक आवेदन दिया और आवेदन में कहा कि बायसी विधानसभा क्षेत्र में 90% जल नल योजना में घोर अनियमितता बरती गई है। विधानसभा क्षेत्र में 10% लोगों को ही इनका लाभ मिल रहा है और अभी भी मात्र 30% घरों में जल नल योजना का पाइप लगाया गया है। जहां योजना चल भी रहा है वहां का पानी सप्लाई सही से नहीं आ रहा है, उस पानी से भी आयरन निकल रहा है और पानी पीने योग्य नहीं है। चरैया पंचायत के मुखिया अबू बकर ने कहा कि उनके पंचायत में जल नल योजना का 11 टावर लगा है, लेकिन एक भी टावर सही नहीं है। नल तो किसी तरह लगा इधर उधर कर लगा है, किंतु नल में आज तक जल नहीं आया है। कहीं ना कहीं इस योजना में संवेदक के द्वारा बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया है। कई जगह पीतल की टूटी के जगह प्लास्टिक का टूटी लगाया गया है। पाइप भी काफ़ी घटिया क्वालिटी का लगाया गया है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। कितने दिन में पूरा करने का? नहीं, हम लोग लगातार अनवरत, हम लोग 26 से 27 से लगातार गांव-गांव जितना दूर जा सकते हैं, हम पटना से चल के बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर का नवगछिया पार्ट, कटिहार, पूर्णिया होते हुए किशनगंज होते हुए अररिया तक इस बार प्रथम दौरे में जाएंगे और सारे जगह नल जल का जहाँ भी शिकायत है सुन रहे हैं। पदाधिकारी लोग साथ में, उनको निर्देश दिया जाता है, आप इसको जो भी हालत हो हमको हर घर नल का जल स्वच्छ पानी पहुँचाना है। यदि उसमें कहीं कोताही हो रहा है तो उसको आप लोग सुधार करिए, नहीं तो इन लोगों पर कार्रवाई होगी, ठेकेदार पर भी कार्रवाई होगी, हमारे इंजीनियर हैं इस पर भी कार्रवाई होगी। हमको हर घर शुद्ध नल का शुद्ध पानी देना है हर घर। जी सर, ऐसा होता है कि जब भी निरीक्षण होती है तब जो है अधिकारी हरकत में आते हैं और निरीक्षण के जाने के कुछ दिन बाद फिर से वो हम एक सप्ताह अभी हम लोगों को सरकार में आए हुआ है, अभी हम लोग प्रभार लिए ही हैं, हम लोग एक सप्ताह के बाद देखने तो दीजिए, आगे देखिए, अगले बार कहिएगा ये सब शिकायत। पदाधिकारी को निर्देशित किए हैं और ये सुधार करें, संवेदक भी सुधार करें, इंजीनियर लोग सुधार करवाएं संवेदक से, नहीं तो इन लोगों को सुधार दिया जाएगा। जी सर, मामलों का निरीक्षण किए और क्या क्या बात हुई? ये माननीय मंत्री श्री ललित यादव जी, ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हैं, ये परसों से ही पूर्णिया कमिश्नरी के दौरे पर हैं, परसों कटिहार में थे, कल पूर्णिया पहुँचे हैं, कल से ही पूर्णिया का दौरा ये कर रहे हैं, धमदाह, बराड़ा, बनबनकी, आज बनबनकी करके फिर आज यहाँ बायसी का दौरा किया। बायसी में कई योजना का निरीक्षण स्वयं किए, एक तो बुनकर भवन में किए और यहाँ के स्थानीय मुखिया भी अपने शिकायत पत्र दिए और उनका कहना है कि मुखिया जी का कहना है कि हमारा 11 जो टावर लगा है उसमें से एक भी चालू हालत में नहीं है और जो कार्य हुआ है वो बिल्कुल गुणवत्ता जीरो है, कहीं कोई गुणवत्ता है ही नहीं, पाइप भी डैमेज है और जो नल लगाया है वो नल भी बिल्कुल डैमेज है, कोई बच्चा उसको अगर छूता है तो वो गिर जाता है, पानी कहीं चालू नहीं है, कहीं अगर किसी दिन अगर चालू कर दिया अगर तो जहाँ तहाँ उसको पानी लीक हो जाता है, रोड में पानी जो है भर जाता है। इसके चलते हम लोग जो पूरा सर्वे करवाए हैं तो लगभग डगरवा और बायसी ये दो प्रखंड में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मुश्किल से 5 से 10% लोगों को पानी मिल रहा होगा, 90% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और पानी जहाँ मिल भी रहा है तो बिल्कुल गंदा पानी, पीने लायक पानी नहीं है। एक अनुमंडल इसमें प्रखंड मुख्यालय में एक टावर बना हुआ है, वहाँ पर बहुत दिन से बना हुआ था, इधर से जो चालू किया है तो पानी जो लोगों को मिल रहा है वो पानी बिल्कुल गंदा है, कोई खाने लायक पानी नहीं है, लोग तो बता रहा है यहाँ तक कि कपड़ा भी धोने लायक पानी नहीं है और वहीं पर 54-55 में उस पाइप को ले गया था लेकिन वहाँ भी पानी सप्लाई नहीं है। तो एक टावर यहाँ बना हुआ था सोलर पैनल का, यहीं पर हमारे यहाँ चरैया में जो
काफ़ी दिनों से बंद है, दो तीन साल से बंद पड़ा हुआ है, ये चालू नहीं है। तो कोई भी मैंने टावर चालू नहीं है, कोई भी मैंने ये नल जल चालू नहीं है, और कंपनी भागा हुआ है, ठेकेदार भागा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो ज़मीन जो वो एग्रीमेंट कराता है जो ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक का, बहुत कीमती ज़मीन होता है वो, ग्रामीण क्षेत्र का गांव का ज़मीन होता है, तो एक कट्ठा ज़मीन मतलब दो डिसमिल, हम लोगों के यहाँ दो डिसमिल ज़मीन वो एग्रीमेंट कराता है, उसको ये लालच देता है कि हम 2000 टका या 3000 टका महीना देंगे। अभी तक चवन्नी किसी को कहीं भी पेमेंट नहीं किया, और उस गरीब का ज़मीन को कब्जा करके वो नल जल भी चालू नहीं किया। तो काफ़ी हम लोगों के यहाँ इस बात से यह आक्रोश है, और माननीय मंत्री जी सबकी बात सुने और देखे, और उन्होंने वादा किया, मंत्री जी अपने एग्जीक्यूटिव को भी बताए कि एक हफ्ता के अंदर हमको जो है रिपोर्ट चाहिए। तो हम लोग यही मैंने कहेंगे, चूँकि हमारे RGD के ही ये माननीय मंत्री हैं, तो हमारे साथ रहे हुए हैं बहुत दिनों तक विधायक, तो कुल मिलाकर बहुत जल्द जो है इस पर, अभी देखिए हम लोग अभी मैंने एक चीज़ देख रहे हैं कि विभाग जो है अभी साथ में है, तो ये तो सबको ही जानता है कि मंत्री जी आए हैं तो अभी एक्टिव हो गया है, बाद गड़बड़ा जाएगा, तो जाने के बाद वो ना चले जाएंगे, हम लोग रहेंगे ना, अब हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे इन लोगों को। तो यही है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका सुधार होगा, और जो गलत काम किया है उस पर कार्रवाई होगी। हमने मांग किया है मंत्री जी से कि जिला पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से इसकी सरजमीन जांच किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।